बात हो, सावन में बस इतनी कर। आज सावन का दूसरा सोमवार है, पांच सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार चार सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार पांच सोमवार पड़ जाते हैं। पांच सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, पांच सोमवार की महिमा क्या है, सावन के महीने के पांच सोमवार की महिमा क्या होती है। तो कहा अगर पांच सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त तो हो जाता है। शिव पंचायत श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बातचीत आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। पांच देव शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर बैठते, मां दुर्गा भगवान नारायण शिव पंचायत में, भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश। अब प्रथम में शिव दुर्गा नारायण भास्कर देव गणेश जी ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये पांचों सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। पांचों एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है, जैसे तुम शिव को